रिश्ते का अचार बोले तो क्या है, रिश्तिया हो जाता है इससे खाने से, कि मेरे तो इस वक्त बहुत खट्टा खट्टा हो गया। पापड़ के बगैर खट्टी दाल चावल कहाँ रहते, खीमा खट्टी दाल चावल पापड़ा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद ढक्कन अचार घर में, और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अचार बनता है, चीज़ें बनती है। आप लोग को आइए, हम दिखाते हैं और बात भी कराते हैं यहाँ के ऑनर से, यहाँ के जो मालिक हैं इस दुकान के ताहिर साहब से, और देखते हैं वो क्या कर रहे, क्या क्या बना रहे, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। कि हैदराबाद में तो बहुत सारी चीज़ें खाने को मिली, आइए हम आपको आज कराची के अंदर हैदराबाद का मज़ा दिखाते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताहिर भाई कैसे हैं आप, क्या कर रहे? मैं क्या कर रहा, मैं अचारें बना रहा, लोगों को खिला रहा। और क्या ये कब से बना रहे? ये दादी बनाना शुरू किए थे 1950 में ना, दादी दादा दोनों बैठ करे, फिर वालिद साहब एक्सटेंड करे कारोबार को ना। अब हम लोग थर्ड जनरेशन है, फोर्थ आ रही पीछे, अब वो संभालेगी। अब हम लोगों का जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके चलना है। मुख्तलिफ अचार हम लोग बढ़ा दिए, जिसमें झींगे का अचार, गोश्त का अचार, लहसुन का अचार, अदरक का अचार, बहुत सारे अचार हो गए 18-20 किस्म के, और ऑर्डर पर अलग बनते। जैसे जैतून का अचार बनना, सेम की फली का बनाना, मुख्तलिफ अचार ऐसे बनाना जो ऑर्डर में बनना। अच्छा देखो, इधर जो है लोग आते हैं आपके पास खाने के लिए, तो क्या करते हैं आप, मतलब लोगों की क्या रिस्पांस दे रहे? लोग आते हैं, फिर उसके बाद जो है लोगों को प्लेट में लुखमियाँ खिलाना, दही बड़े खिलाना, हैदराबादी सौगातें खिलाना, पकौड़े हैदराबादी, प्याज पालक मिर्ची आलू, ये लोग ये खिलाना होता। अब आपको मालूम है रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ानों में तो बहुत आपका काम बढ़ जाता होगा नहीं? अरे थकन हो जाती है, हरीज बनाना सुबह से रात से हरीज बनना शुरू होती है, और वो हरीज जो बनती है फिर वो जो है दिन भर जो है हरीज के पे जो है ना रश जो होता, अल्लाह माफ़ के इतना लोगों को हरीज खाने का शौक़ है। अब ज़रा थोड़ा प्रॉब्लम आए, क्या करते क्या नहीं, गाय के गोशी गाय की वजह से, तो अब देखना चिकन पर जोर आता लग रहा। अच्छा हमको कौन कौन सा अचारा दिखा रहे हैं आज, आप दिखाएंगे भी? कौन कौन सा सारे अचार दिखाता हूँ। ये लहसुन का अचार है, आओ ज़रा आओ देखो आप लोग, लहसुन का शॉट लो आप। ये आम के गुदे का अचार है, ये लहसुन है, ये आम का गुदा है, और मैं आगे दिखाता हूँ आपको ना। अच्छा मैं ये पूछ रहा था, आपके पास एक बड़ा फेमस अचार है जिसको रिश्ते का अचार बोलता है। अरे रिश्ते का अचार बोले तो क्या है? रिश्ते का अचार ये बोले तो रिश्ता ऐसा पड़ गया कि रेशा नाम था, बोलते बोलते हम लोगों का भी जो है नाम से रिश्ता ही निकल गया। अब वो लोग आते ऐसा तो नहीं कि उसको खाने से रिश्ता आता बोले? बहुत ऐसा हुआ कि अक्सर प्रोग्राम्स में यही हुआ कि रिश्ता हो जाता है इससे खाने से, क्या होता भाई? तो मैं बोला हाँ होता, खाना मेरे हाथ से पड़ता, मेरे हाथ से खाओ रिश्ता हो जाता। तो बोले किससे होता? मुझसे ही होता। मैं बोला लाजमी सी बात है, आप ही से होंगे क्योंकि आपसे रिश्ता हटाए तो जो खिलाता उसी के हाथ से होता। आइए और कौन कौन सा आप हमको दिखा रहे? आइए जरा बताइए और मजीद क्या क्या आइटम है नजर आइए आपको दिखाते हैं इसकी इनके पास। और मजीद क्या भैया? अदरक का अचार लाओ, ये अदरक का अचार बना रहे हम लोग, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। ये देखो आप अदरक का अचार, और इसके अंदर राई, जीरा, मेथी, कलौंजी सब चीज़ें बघार में तैयार होता, VIP अचार है। अच्छा एक और बात मैं सुना, हैदराबाद दखन के अंदर अगर बिरयानी के अंदर बघारे बैगन मिर्चों का सालन नहीं हुआ तो क्या ये भी बना रहे क्या? हाँ ये बना रहे ना बघारे बैगन मिर्ची का सालन, अब जब से ही बना, आज भी हमारे घर में प्रोग्राम है, इसमें भी यहीं से दुकान से ही बघारे बैगन जाते हैं, मिर्ची जाती है, आज भी जाएगी, ताई आ रहे हमारे उनके। अच्छा, ये क्या इनके क्या रेट क्या है, कितने पैसे कितने? अचार जो है मुख्तलिफ रेट हैं, जिसमें आम का अचार, मिक्स अचार, लीमू अचार, ऐसे ये 360 रुपये किलो है, रिजनेबल रेट है। एक छोटी बोतल 150 रुपये की, 180 रुपये की, हम 150 की भी दे देते हैं, कस्टमर बोलता रियायत कर देते हैं। अच्छा अचार के अलावा पापड़ा भी मैं देख रहा हूँ, तो बहुत सारे किस्म के पापड़ रखे हुए आप देख सकते हैं नाज़रीन के इसके अंदर। ये कौन कौन से पापड़ा? ये मूँग की दाल के पापड़ा हैं, माश के हैं, चावल के हैं। अब पापड़ के बगैर खट्टी दाल चावल कहाँ रहते, खीमा खट्टी दाल चावल पापड़ा, ये तो लाजमी। नाश्ते में अगर पापड़ और खट्टी दाल नहीं हो तो क्या? मैं यकीन जाने नाजी, मेरे तो इस वक्त बहुत खट्टा खट्टा हो गया, मेरे को लग रहा है ऐसा। हाँ ये जो है पापड़ होना लाजमी है इसके हमारे साथ, VIP जो है ना, इसमें मज़ा आ जाता खाने का। अच्छा अभी बताइए, लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी काफ़ी लोग आते हैं, अभी हम देखे कि सऊदी अरब से कुछ लोग आपके पास आए हुए थे, तो क्या ये ऐसा हैदराबाद दक्कन की फैमिली है? बहुत पुरानी फैमिली है हमारे, बहुत पुराने कस्टमर हैं ये। ये दादी के इनके वालिद साहब इनके सब दादी के ज़माने से आ रहे हैं, 25 साल बोल दिए ना इन्हों, तकरीबन उसी ज़माने से आ रहे हैं ना, और अचार ले रहे हैं, इनकी बहन आ रहे हैं, इनके वालदा आते थे, इनके वालिद आते थे, बड़ा बड़ा न्यूज़ इसकी कम्युनिटी है ये।
ये देखो भाई झींगे के पीस हैं, झींगा अचार। झींगे का तरीका ये है कि झींगे को हम पहले उबालते हैं, फ्राई करते हैं, फिर उसके बाद अचार तैयार करते हैं। बहुत यम्मी सा टेस्ट होता है, बहुत मज़ेदार है और मैं बहुत शौक से इसको इस्तेमाल करता हूँ, बहुत खाता हूँ। पराठे का बहुत मज़े का लगता है ये। ये चिकन का अचार है, चिकन के पीस होते हैं बोनलेस, उसको फ्राई करें और अचार बनाएं, बहुत मज़ेदार अचार पड़ा। कैसा है कि चिकन का भी अचार बनाया जा सके? लोग आए फरमाइशी ये साहब आए थे, बोला चिकन का अचार बना के दो। ये तीनों अचार उन्होंने ईजाद करवाए कि एक 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 अचार मुझे बना के दो। तो झींगे का अचार मैंने बनाया, फिर गोश्त का, चिकन का। इसका प्रोसेस बिल्कुल मुख्तलिफ है, हर किसी का अलग अलग प्रोसेस है। गोश्त को आपको इतना ड्राई पकाना पड़ता है कि इसका पानी खुश्क हो जाए, अंदर से पानी बिल्कुल ना रहे। और बहुत मज़े का यूनिक है, बहुत आप स्पाइसी, बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका। अस्सलाम वालेकुम जनाबे वाला, मैं सऊदी अरेबिया से आया हूँ और पिछले 25 सालों से मैं सऊदी अरेबिया हूँ। अच्छा, मेरे वालदैन का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से, तो ज़ाहिर है मैं भी हैदराबादी क्या आप खट्टा बोलते हैं उसका, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ आया हूँ ढूंढते हुए इनकी ये दुकान। मैं पिछले 25 सालों से मैं यहीं से ले रहा हूँ, चाकना भी यहीं से खा लेते सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आकर के मैंने ये इनसे चीज़ें ली हैं, बड़ी म्यारी क्वालिटी की चीज़ें हैं और बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। तो यू शुड ट्राई वन टाइम ओनली। तो मेरी बहन है जो कि यहाँ आती रहती हैं, तो ये भी मुझे घसीट के आज लेके आई हैं यहाँ पे। मैं भी अपने भाई के साथ आई हूँ। ज़ाहिर है यहाँ पे हैदराबाद दक्कन का जो अचार होता है, पापड़ होते हैं, मिर्च वगैरह होती है, उसके लिए हम लोग आते हैं ख़ास तौर पर, यहाँ से ही लेने आते हैं। और आप लोग भी आए, यहाँ की चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी। तो यहाँ पर आज मैंने कुछ पापड़ लिए हैं, छोटे झींगे नहीं थे जो कि हैदराबादियों की एक बड़ी रिवायत होती है, तो मैंने फिर वो नहीं लिए, पापड़ लिए हैं। रिश्ते का अचार है, अंबाड़े का अचार आज इनके पास मौजूद नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये गोलियां दे रहे हैं मुझको कि बस दो कल आ जाता। झींगे प्रॉन वगैरह जैसे लेके जाते हैं, बड़े ही होती है, अमरस होता है, काफ़ी चीज़ें हैं। मुझे तो मैं जो हैदराबादी अचार होता है मिक्स वो ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, आलू बुखारी की चटनी है। हाँ, ये अंबाड़े का अचार है, खट्टा पालक पालक के हिसाब से होता है खट्टा, और बहुत मज़ेदार है भाई। क्या नाम है, खिचड़ी चावल खट्टे के साथ बहुत मज़े का लगता है ये। क्या क्या डालते हैं इसमें? बम्बाड़ा है, मिर्ची पिसी हुई है, जीरा है, बघार की मिर्ची है, हरी मिर्ची पिसी हुई है इसके साथ, बहुत सारे मसाले हैं, राई, जीरा, मेथी वगैरह। बहुत अच्छा यूनिक एक टेस्ट है इसका। कैसा लगता है? उधर मेमनी बात करूँ, आप हैदराबादी बात करो, कैसा लगे? जब तक लगता है छोड़ दो। अब देखो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। अच्छा, लोग पता नहीं होते। अब देखो हम कितनी बजे से बातें की, मैं लगा फाइन मुझे तो बड़ा, मेरे को तो इसको छोड़िया, मैं बारिश गिरे नहीं, बहुत लगी।
साथ करेंगे बोले तो फिर आपने ले जा तो सामने मजा आता मजा तो मुझे तो जा रहा हूँ।